नमस्कार, 10 मिनट किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर से कलाकंद, बहुत ही क्विक और बहुत स्वादिष्ट रेसिपी। तो आइए बनाना शुरू करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी पनीर का कलाकंद बनाने के लिए। पनीर का कलाकंद बनाने के लिए सबसे पहले हम एक डिब्बा लेंगे। आप कोई भी डिब्बा ले सकते हैं, आप ट्रे ले सकते हैं, थाली ले सकते हैं। हमने इसमें बटर पेपर लगाया है। अब हम इसको थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर लेंगे पूरा चारों तरफ से। इस तरह से बटर पेपर को हमने चारों तरफ से इधर से इधर से सब तरफ से ग्रीस कर लिया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हमने ये 300 ग्राम पनीर लिया है, इसको हम क्रम्बल कर लेंगे। ऐसे करके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। आप चाहो तो ग्राइंडिंग जार में डाल के भी पीस सकते हैं इसको। पनीर से कलाकंद बनाना बहुत ही आसान है और टाइम भी कम लगता है, क्योंकि हमें छेना बनाना नहीं पड़ता है। तो आइए अब आगे का स्टेप देख लेते हैं। अब हम गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, इसमें ये क्रम्बल किया हुआ पनीर डालेंगे और इसको चलाएंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे। देखिए पनीर ने पानी छोड़ दिया है, इसको हम थोड़ा सा जलाएंगे पानी को और इसको लगातार चलाएंगे। देखिए पनीर का पानी थोड़ा सूख गया है। अब हम इसमें 80 ml मिल्क डालेंगे, इससे इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी और कलर बहुत अच्छा आएगा, एकदम वाइट अच्छा कलर आएगा। कलाकंद डार्क में बनता है, आप चाहो तो डार्क बनाओ, आज मैं वाइट कलाकंद बनाऊंगी। अब हम इसमें 80 ग्राम शुगर डालेंगे। 300 ग्राम हमारा पनीर है, हमने 80 ग्राम शुगर डाली है। आपको अगर ज़्यादा मीठा खाना है तो आप 150 ग्राम तक शुगर डाल सकते हैं। देखिए हमारे पनीर में दाना पड़ने लग गया है। इस समय हम गैस के फ्लेम को 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो कर देंगे। गैस का फ्लेम लो करने से इसमें दाना बहुत अच्छा आएगा। चीनी डालने के बाद हम गैस के फ्लेम को हाई करेंगे। इस तरह से हम कलछुली को लगाएंगे और बराबर इसको तोड़ते हुए पकाएंगे। ये देखिए तोड़ते हुए पकाएंगे तो दाना बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और ये एक जगह इकट्ठा नहीं होगा। अब हम 1 मिनट के लिए फ्लेम को लो करेंगे। खुशबू के लिए इसमें 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हाई कर देंगे। अब देखिए इसका पानी बिल्कुल सूख गया है। अब हम इसको ऐसे ऐसे चलाएंगे। ये कलाकंद हमारा तैयार हो गया है। ये आप कैसे जानेंगे, इसके लिए हम इसको कलछुली को ऐसे करके उठाएंगे और ऐसे हाथ लगा के देखेंगे, चाशनी में एक तार जैसा आने लग जाएगा और हमें गाड़ी गाड़ी लगने लग जाएगी। देखिए अब हमारा कलाकंद तैयार हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमें एक तार की ही चाशनी बनानी है। हमने गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है। देखिए बिल्कुल सूख भी गया है। अब इसमें कहीं भी ज्यादा पानी नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम इसको गैस से नीचे उतारेंगे। कलाकंद को हमने गैस के नीचे उतार लिया है, ये देखिए। अब हम इसको इस टिन में शिफ्ट करेंगे। बॉक्स में निकालने के बाद हम इसे अच्छे से दबा देंगे। हमारा कलाकंद हमने सेट कर दिया है। अब हम गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे। पिस्ता को भी इससे दबा देंगे जिससे ये बाहर नहीं निकलेगा। हमें ज्यादा पिस्ता नहीं डालना है। अगर हम ज्यादा पिस्ता डाल देंगे तो कलाकंद का लुक खराब हो जाएगा। अब हमारा कलाकंद ठंडा हो गया है। अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं। देखिए कलाकंद को फ्रिज में रखे हुए 6 घंटे हो गए हैं।
अब हमने इसे फ्रिज के बाहर निकाल लिया है। अब हम इसको बॉक्स में से बाहर निकालेंगे। ये देखिए, ये कलाकंद हमारा निकल गया है बहुत आसानी से। अब हम इसको यहाँ पे रखेंगे। देखिए कितना अच्छा कलाकंद बना है। अब हम इसको बीच में से कट करेंगे। ये कट हो गया है। अब हम इसके दो टुकड़े और करेंगे। ये लीजिए, ये बड़े बड़े टुकड़े तैयार हो गए हमारे। अब हमारा कलाकंद खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम इसे एक प्लेट में रखेंगे। ये देखिए कितनी शानदार बर्फी बनी है हमारी। पनीर से बनाया ही कितना जूसी कलाकंद बना है, बहुत टेस्टी है। लीजिए, हमने कलाकंद सर्व कर दिया है। ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए। और कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए कि आपको हमारी ये कलाकंद की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय।